तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से HCF निकालना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको HCF निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो के अंत में आ जाएगा, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से किसी भी संख्या का HCF कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि संख्या का HCF निकालना सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में हर साल किसी भी दो संख्या का HCF निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। उसका HCF या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से निकालना रहता है या उसका HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना रहता है। तो बाद में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीखेंगे, उसके पहले इस वीडियो में हम सीखेंगे HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाजन एल्गोरिदम आपको सीखने से पहले यह सीखना होगा कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कथन क्या है। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जीरो बड़ा या बराबर होता है, जीरो छोटा या बराबर होता है आर से, और आर छोटा होता है हमेशा बी से। ये यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम का कथन होता है। तो आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालने के लिए पहले ये समझना होगा कि इसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। आपको भाग तो जरूर ही आता होगा, आप भाग बनाना जानते होंगे। तो चलिए किसी दो संख्या लेते हैं जिसका हम यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन विधि से HCF निकालेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, जैसे 135 और 225। 135 और 225, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका पहले यहाँ पर लिखेंगे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले इसमें अभी इसका हम HCF बना, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ हम इसमें देखेंगे कि ये ए कौन होता है, बी कौन होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो चलिए यहाँ पर इसको भाग देते हैं। तो इसमें 12 225 है, तो 225 को बीच में लिखेंगे और ये 135 को साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको भाग देंगे, तो अगर हम यहाँ पर इसको अगर भाग देंगे तो ये एक से होगा, तो यहाँ पर 135 और यहाँ पर अगर माइनस कर ले तो यहाँ पर 9 और ये कट गया। तो यहाँ पर जिस संख्या में भाग देते हैं उसको ए कहा जाता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बी कहते हैं, और जिसको तो यहाँ पर ये जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम ए कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको बी कहते हैं, तथा जो यहाँ पर भागफल आता है उसको हम क्यू कहते हैं, जो नीचा बच जाता है उसको हम शेषफल आर कहते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना रहता है, HCF निकालना बहुत आसान है। हम सिर्फ क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसमें ए कौन होता है, बी कौन होता है और आर कौन होता है और क्यू कौन होता है। अगर ये चीज़ हमको पता है तो हम इसको बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले ये कन्फर्म कर लें कि जो बीच वाला यहाँ पर ये होगा, ये ए होगा और ये बी होगा और ये क्यू होगा और ये आर होगा। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं इसको HCF निकालने की ओर। तो इसको HCF निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे कि ये इसमें दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पर जो 225 है वो बड़ा है 135 से, तो ये हम लिखेंगे कि चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसीलिए जो बड़ा रहता है वो हम ए बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए बराबर 225 लेंगे तथा बी बराबर हम यहाँ पर 135 लेंगे। अब हम मतलब जो बड़ा रहता है, जैसे ए बड़ा है, उसमें हम भाग देते हैं 135 से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे और यहाँ पर भाग देंगे। तो अब भाग देंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम भाग दिए हैं, तो step 1, तो इसको स्टेप बाई स्टेप अब इसको बढ़ाते जाएंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर इसका कथन लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो क्या होगा कि आर से छोटा होगा या बराबर होगा, और आर जो छोटा होगा वो आर जो होगा वो बी से छोटा होगा। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 225। तो हम सिंपली यहाँ पर 225 ले आएंगे और यहाँ पर 225 लिख देंगे ए के जगह पर, और बी के जगह पर देख लेंगे, बी के जगह पर जो होगा वो लिख देंगे, इतना सिंपल है। तो बी के जगह पर क्या है कि 135 है, तो लिख दिए 135। अब ये गुना, तो गुना क्यू का मान यहाँ पर कितना है,
एक है तो एक लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब आर बराबर क्या आया है हमको, यहाँ पर 90 आया है तो आर के जगह पर 90 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो भी बराबर आएगा हम उसको लिखते जाएंगे, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। अब हम उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर आता है एचसीएफ में, जानते होंगे कि 90 में भाग दिया जाता है 135 से, 135 में भाग दिया जाएगा अब 90 से, तो 90 में भाग देंगे दूसरा स्टेप, मतलब अब क्लियर करेंगे। तो दूसरा स्टेप हम देखें तो ये मेरा स्टेप मतलब समाप्त हो चुका है, इससे अब हमको कोई मतलब बहस नहीं है। अब हम इसमें इससे भाग देंगे, तो इसमें जब भाग देंगे 90 में भाग देंगे तो ये दो दो से लगेगा तो 190 दुना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए एक से देंगे तो, एक से देंगे तो ये 90 घट जाएगा, तो 90 घटाएंगे यहाँ पर तो ये 45 बच जाएगा, तो ये यहाँ पर हम लिख लिए 45। तो अब हम बताए थे कि जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, ये होता है, यहाँ जो संख्या होता है वो बी होता है तो फिर बी होगा, यहाँ पर जो संख्या होता है वो क्यू होता है तो ये क्यू होगा, और यहाँ पर जो नीचे बच गया वो आर। बस इतना ही याद रखना है कि ये बी होगा, ये ए होगा, और ये क्यू होगा, और ये आर होगा। और फिर वही बात, सिंपली जो ए के सामने ए का मान लिखेंगे, बी के सामने बी का मान लिखेंगे, और आर के सामने आर का मान लिखेंगे, और क्यू के सामने क्यू का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर ए का जो मान है वो 135 है तो ए के सामने 135 लिख देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो B का मान 90 है तो B के जगह पर 90 लिख दिए सिंपली। अब उसके बाद Q का मान 1 है तो Q के जगह पर 1 रख दिए, और जोर और R का मान 45 है तो यहाँ पर हम 45 रख दिए, हो गया। अब फिर और आगे अगर ये स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये 0 नहीं आ जाए, तो देखते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा स्टेप भाग करेंगे। अब ये स्टेप हमको जो ये स्टेप था इससे अब कोई माने मतलब नहीं है, ये समाप्त हो गया अब मेरा। अब यहाँ पर ये 90 था अंक, तो यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे और फिर भाग देंगे, 90 लिख लेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे, 90 लिख लेंगे और भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 से लगेगा तो ये होगा 45 गुना 90, और ये हमारा कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल यहाँ पर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, पहले से बहुत बार हम बता चुके हैं, इसलिए पता होगा आपको कि यहाँ पर ये जो बीच वाला मान है ये हो जाएगा, ये बगल वाला जो मान है वो बी हो जाएगा, और ये मान क्यू हो जाएगा, और ये जो नीचे बच गया वो आर हो जाएगा। फिर अब ए के सामने लिख लेंगे, ए हमारा 90 है तो ए के सामने 90 लिख दिए, बी के सामने जो हमारा मान होगा वो लिखेंगे तो बी के बराबर 45 है तो यहाँ पर हम 45 लिख दिए, गुने तो गुना क्यू का मान हमारा 1 है तो यहाँ पर क्यू का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और प्लस आर का मान कितना आया है 0 तो यहाँ पर हम लिख दिए 0। अब यहाँ पर जब 0 आ जाएगा, जब R का मान 0 आ जाएगा तो ये हमारा यहाँ पर HCF प्राप्त हो गया। अब जो B का मान होगा वही HCF हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कि जब R बराबर, यहाँ पर हम लास्ट स्टेप लिख देंगे, मतलब मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए हम अलग लिख रहे हैं, तो नीचे हम लिख देंगे कि जब R बराबर 0 तो जब B बराबर 0 लिखेंगे, कि जब B बराबर 45 लिखेंगे, जब B बराबर 45 तो R बराबर 0, जब b बराबर 45 तो r बराबर 0, इसीलिए hcf बराबर क्या हो जाएगा 45, क्योंकि जो b का मान होता है वही आंसर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे और उसके बाद फिर उसको जब बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब एक दूसरे संख्या का HCF निकालते हैं, तो इसके इस बार एक संख्या लेते हैं 255 और 867, तो देखते हैं 255 और 867 का HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो 255 और 867, 255 और 867, तो सबसे पहले हमने बात किया है कि ये देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है और उसको लिख देते हैं। तो अगर इस दोनों में देखें कि 255 और 867, तो दोनों में बड़ा कौन है 255 और 867 में 867, तो इसीलिए हम लिखेंगे a बराबर 867, तो a बराबर 867 तथा b बराबर हो जाएगा 255। अब दूसरा स्टेप अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कथन होता है तो उसका कथन लिखने का हक बन रहा है तो लिखेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 आर। अब वही बात, अब फिर भाग देंगे और उसके बाद ए बी का मान लिखते जाएंगे, हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो भाग दे लेते हैं हम 255 में भाग देते हैं, 255 से भाग देते हैं 867 में, तो यहाँ पर ये 3 से लगेगा तो 3 से,
अब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर ये एक हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पर दो हो जाएगा, और ये एक हो जाए, ये जीरो हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नीचे वाला होता है वो आर कहलाता है, यहाँ का क्यू कहलाता है, ये ए होता है और ये बी होता है। तो अब सबका मान सिंपली नीचे लिख लेंगे, हो गया। तो इसका मान लिखते हैं, तो ये ए का मान 867 है तो 867, अब बी का मान 255 है तो 255 बी के सामने लिख दिए। अब क्यू के सामने क्यू का जो मान होगा वो रख देंगे, तो 3 है मान तो 3 रख दिए, जोड़ है तो जोड़, आर का जो मान है 102 है तो 102 रख दिए। अब उसके बाद फिर ये हमारा जो स्टेप है वो समाप्त हो गया। अब इससे हमको कोई माने मतलब नहीं है, ये एक स्टेप हमारा ये जो है सो समाप्त हो गया। अब सिर्फ इसमें से ये 255 निकाल लेते हैं और 255 में भाग देते हैं 102 से, तो यहाँ पर हो गया ये 255। अब यहाँ से देंगे तो ये दो मरतबे लगेगा, तो ये अब इसको हम क्या करेंगे कि घटाएंगे और लिख लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर होगा ये एक और ये होगा पाँच, ये 51 आ जाएगा, ये कट गया। तो अब यहाँ पर फिर जो ये बीच वाला ए होता है तो ये ए का इसको ए के सामने लिख लेंगे, ये बी का मान है तो बी के सामने, और ये क्यू का तो क्यू के सामने, और ये आर तो आर के सामने। तो अब लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ए का मान 255 है तो 255, बी बराबर आया है 102 तो 102, और गुना क्यू का मान 2 आया है तो 2, और जोड़ आर का मान 51 आया है तो लिख दिया यहाँ पर 51। और तीसरा स्टेप 51 में भाग देंगे हम 102 से, तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो ये 2 से लगेगा तो ये 102 ही आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 00 आ गया, तो अब 00 आ गया, तो यहाँ पर अब फिर वही बात, ये b का मान हो गया और ये a का मान हो गया, ये q का मान हो गया और यहाँ पर r का मान हो गया। तो a का मान 102 है तो लिखेंगे 102, b बराबर जो मान है वो लिखेंगे 51 तो 51, गुना 2 तो 2 और जोड़ 0। अब लिखेंगे नीचे हम लिखेंगे कि जब b बराबर 51, चूँकि जब b बराबर 51 तो r बराबर 0, इसीलिए एच सी एफ जो होता है, पहले ही बताए हैं कि बी का मान होता है, इसीलिए एच सी एफ बराबर 51 आंसर। इस तरह से आप किसी भी संख्या का एच सी एफ बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं।